आप सबके प्रतीक्षा नैयर की तरफ से राम राम। कई करी रहे हो, कहीं पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो भाई? एक दिन तो कही हो कि ना माधव को मारा करने फोन आयो, नहीं क्योंकि जी जी तब हमारी घाणी पे पधारो ने देखो तो सही कि मैं लोग उनका स्वास्थ्य का सरू कितना अच्छो काम करी रहा हूँ। अब लोग उन तो समझ ही नहीं रहा है, पर कम से कम तम तो आओ। तो भाई मैं उनकी घाणी पे गई तो मैंने देखियो कि वाह दरी ये को आया तो लकड़ी घाणी पे सगला तेल निकली रहा है। तुम्हारे बादाम को तेल चाहिए हो कि मूंगफली को तेल चाहिए हो कि सरसों को कि तिल्ली को खाए को भी तेल चाहिए हो नहीं तो एकदम साफ सुथरा ने प्योर तरीका से तुम्हारी आंखिया का सामने तेल निकलेगा, नहीं तो मुनीश बखत उन्हें तेल के ले जा सकता है। भाई ने उन्हें तेल को नाम है गुरु ब्रांड को लकड़ी घाणी को तेल। भाई आप सबके तो मालूम है कि पहला का जमाना में अपना दादा दादी नाना नानी हो ये सब लकड़ी घाणी को तेल वापरता था। भाई उम्र भर टंटनात रहता था, शुद्ध खाता था, भाई बिल्कुल स्वस्थ रहता था। वे कहीं गेलिया तो था नहीं है कि नहीं, ने पहले ऐसी कोई 17 तारीख की बीमारी भी नहीं होती थी। ने आज तो देखो भाई आजकल ये जो हम रिफाइंड तेल का नाम पे जहर खाई रहा है नी उसका कारण बीपी ने शुगर ने कैंसर ने और भी 17 तरह की बीमारी हुई रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनी होन सगला धान को माल मत तो निचोड़ी के ने उके पशुधन का रूप में बेची के अलग से माल कमाई रही है। ने भाई वो जो पतलो पान को बचे नी उके अपने रिफाइंड तेल का रूप में बेची रहे वो भी महंगा भाव ने। अपन जी कही गेलिया सरी का वाह साफ करके नी रिफाइंड तेल को जहर खाई रिया। अरे अभी भी संभली जाओ ने भाई, अब लकड़ी घाने को तेल वापरना शुरू करी दो, 4 लत्ता कम पहनी लीजो, 2 पिज्जा कम खाई लीजो, नहीं तो ये जो 30-40 रुपया तुम बचाओ का नहीं तेल का कारण ये अस्पताल में तुम्हारे लाखों का रूप में निकलेगा। ये जो कोलेस्ट्रॉल जमी जमी के ना जरा जरा सी उम्र में हार्ट अटैक हो नहीं रहा है नी ने लोग उनके नई नई बीमारी हो नहीं रही है, इन सब की जड़ में जहरीलो रिफाइंड तेल ही है। एक बार यो तेल बनते हुए देखी लोगा नहीं तो तुम्हारी आंखियां फटी रह जाएगी। तो आज से जहरीलो रिफाइंड तेल बिल्कुल वापरना बंद ने गुरु ब्रांड को लकड़ी घाणी को तेल जरूर जरूर से वापरना शुरू कर दीजो। ने एक और बात बताई दू तुम्हारे में कि अब तो गुरु ब्रांड को नमकीन भी आई गयो है ने वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीका से बने हैं, बिल्कुल लकड़ी घाणी का तेल में तला है ने भाई उमें सोड़ो भी बिल्कुल नहीं है। तो भाई इस बात का चटोरा उनका लिए या सौगात भी बहुत बढ़िया है ने अब तो अचार को बखत भी आई गयो है। तो तुम सबके अचार डालनो है गुरु ब्रांड का लकड़ी घाणी का सरसों का तेल में, तुम्हारे पीढ़ी न काली दो ही तरह को सरसों को तेल मिली जाएगा। तो आज से वापर जो गुरु ब्रांड को लकड़ी घाणी को तेल ने गुरु ब्रांड को नमकीन। जय जय सियाराम।